नमस्कार आदाब, आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम, इस्तकबाल, स्वागतम, शुभ स्वागतम। आज एक नई सुबह है, नई हवा है और नई सपा है। आप लोगों का यहां पर बहुत बहुत स्वागत करने के साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारी वर्चुअल रैली आप देख रहे हैं ऑनलाइन हमारे समाजवादी पार्टी के सभी पेज पे, जितने हमारे ऑफिशियल हैंडल्स हैं, पेजेस हैं, सब पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, बाइसिकल टीवी पे देख रहे हैं, लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और लोग हमसे जुड़ना भी शुरू हो गए हैं। वक्तागण आते हैं, आपसे अपनी बात रखते हैं, अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं, आप उनसे रूबरू होते हैं, आप उनसे मुखातिब होते हैं और उनकी बातों को आप सुनते हैं। मकसद है 2022 जो चल रहा है, सरकार बनाना उत्तर प्रदेश में और सरकार समाजवादी पार्टी की बनाना, ये सब चाहते हैं, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, सब लोग यहां जो मौजूद हैं वो यही चाहते हैं और जितने लोग हमें इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। एक बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, परिवर्तन चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, पहले हम उनका तारुफ आपसे कराएंगे। एक बड़ी शख्सियत है, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1996 में हुई, उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दलमऊ और पडरौना निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। प्रदेश की अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सदन के नेता रहे हैं और विपक्ष के नेता के पद पर भी आपने जिम्मेदारी से काम किया है। आप पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ ही गरीब, दलित और पिछड़ों के हक की हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए हम एक ही चीज कहेंगे कि वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। देखिए होता क्या है कि एक छोटी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को अपने साथ लेती है तो वो अपना फायदा देखती है, अपना फायदा देखती है। और समाजवादी पार्टी के साथ जब कोई कदम से कदम मिलाता है, कोई आगे बढ़ता है, तो समाजवादी पार्टी क्या देखती है? प्रदेश की उन्नति देखती है, प्रदेश का विकास देखती है, प्रदेश का डेवलपमेंट देखती है और उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशहाली देखती है। इसीलिए मैंने ये दो लाइन पढ़ी थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।